दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों क्या बताएं, मेरा इतना पूरे पैसा, दोस्तों मेरा सारा पैसा गुम हो गया। क्या बताएं दोस्तों, दूसरा पर्स में था और कंडक्टर को बस वाले को पैसा दिए और लग रहा है चेन खोले और लग रहा चेन में वो छोटा पर्स होता है पैसा वाला, वो नहीं रखे, लग रहा है बाहर ही गिर गया, इस पर गिर गया, लग रहा बस में ही गिर गया। क्योंकि दोस्तों कुछ सामान नहीं खरीदे बाहर, जहाँ गए खरीदने वहाँ देख रहे तो पर्स में पैसे ही नहीं है। और देखो दोस्तों अभी हम बस स्टेशन में, रात को ही आए थे तो बस वाले चले गए थे बस स्टेशन में, हम सोचे अगर कहीं ईमानदार होंगे तो दे देंगे। अभी देखते हैं 8 बजे बस जाता है। दोस्तों क्या बताए, आए थे राजदेवी माई के मंदिर घूमने, दर्शन करने, सोचे कि वीडियो वीडियो भी शूट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरे पैसा उसी में था। दोस्तों आपको मैं पैदल चल के कहाँ कहाँ आते हैं कंडक्टर पूछते हैं क्या बताता। दोस्तों आपको बता दूँ हम कि 3,300 और 200 इधर का नेपाली एक जगह हमने पैसा दिया था ना कंडक्टर को, तो उसने भी नेपाली पैसा हमको रिटर्निंग किया था। तो नेपाली बस 200 था और इंडियन कितना हम लोगों का पैसा था 3,300। दोस्तों बस मेला घूमने के लिए आए थे इतना पैसा लेकर, और दोस्तों पर से ही वो गुम हो गया। दोस्तों क्या बताएं, रात में इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा परेशान थे और अंधेरा हो गया था, हमको लग रहा था 5 बजे वाला बस आए, 8 बजे यहाँ पर छोड़ा, अंधेरा हो गया था, इसमें रखने की जगह नीचे गिर गया। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंडक्टर लोग जो होते हैं तो वो जब बस वाले आते हैं तो उसके नीचे देखते हैं क्या टस बार के किधर किसी का सामान छूटा तो नहीं है, तो अगर अच्छे इंसान होगा तो दे देगा। और दोस्तों देगा भी क्योंकि पैसा का लोभ सब कोई का हो जाता है, और देखते हैं कैसे क्या होता है। दोस्तों हम लोगों के पास 1 भी रुपया नहीं है, जो भी था उसी पर्स में पैसा था, हम सोचे थे कि सब एक ही जगह रखे थे खरीदना कुछ और... मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, सोचे थे माता इन सब का दर्शन करेंगे, पूजा वूजा करेंगे, खाएंगे पिएंगे आएंगे। और जो भी दोस्तों कल 3,000 पैसा निकाल के जो भी लेकर आए थे, मम्मी के पास भी 200 खुला था जो उसी पर्स में रख दिया था, वो भी था ऐसे खुला था। तो और ये बस वाले को दिए थे कंडक्टर के जब पैसे दिए ना, तभी लग रहा है कि हम बैग में धरने के वजह ना चेन खोले, ठीक है ये वाला चेन जो होता है ना, दिखाते आपको, ये ऐसे खोले ठीक है, और हमें लग रहा है क्या, हमें लगा इसमें हम रख दिए और इसमें नहीं, इस पर रखा तो लग रहा है अच्छा चल के गिर गया। और इतना मैं क्योंकि जहाँ दूसरे जगह गए ना सामान खरीदने, देखो दोस्तों कैसे बस स्टेशन में बैठे हैं, जिंदगी में पहला बार इतनी बुरा हाल हुआ। पैसा तो कितना बार भुला जाता है लेकिन घर पे रहते हैं तो अफसोस नहीं होता है, और घर पे नहीं है दूसरे जगह आ गए हैं और जाने के लिए भी हम लोगों के पास पैसा नहीं है, जो पैसा था बस पर्स में ही पैसा था। आते हैं अगर भगवान जी में शक्ति होगा, अगर बेचारे अच्छा आदमी होगा उसके दिल में ऐसा करे कि पैसा, अगर पैसा दे देगा ना दोस्तों तो हम 1,000-1,500 उसको ऐसे भी दे देंगे खाने के लिए, क्या कहेंगे अच्छे आदमी इसके लिए। बस अगर पैसा मिल जाएगा तो जाके माता रानी को वहाँ प्रसाद भी चढ़ाएंगे, क्योंकि कल तो खा कर आए थे तो कल नहीं चढ़ा पाएंगे तो आज चढ़ाएंगे, आज स्नान स्नान करेंगे चढ़ाएंगे, अगर नहीं मिला तो ऐसे ही चले जाएंगे और यही सोचेंगे कि माता रानी का दर्शन करने आए इतना बड़ा सीता मैया के मंदिर में और मेरा पैसा ही गुम हो गया। क्या रजदेवी माँ के मंदिर में गए थे, जानकी मंदिर में रात हो गया था तो सोचे आज जाएंगे तो नहाएंगे वहाएंगे प्रसादी भी चढ़ाएंगे, तो क्या करें दोस्तों अभी उसी का इंतज़ार करें। इधर देखो जिधर देखोगे ना बस ही बस, देखो उधर लगा है उधर लगा है, सब जगह बस ही है देख रहे हो, और लाडो उधर है, लग रहा लाडो का कौवा बिस्कुट छीन लिया है। और क्या बताएं दोस्तों, हम लोग कुछ खाए भी नहीं, जब चाउमीन खाए ना तो वहाँ पैसा निकालने के लिए देख रहे दोस्तों तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो
तो दोस्तों तब जाके देख रहे वहाँ से पैदल पैदल रात को ही आए थे बस स्टेशन में, लेकिन बस वाले बंद करके चले गए थे। तो एक आदमी खोल के देखे उसको, तो हो सकता है दोस्तों ऐसा भी होता है कि बस वाले जब चेक करते बस में किसी का सामान छूटा उठा नहीं है उसके बाद ही ना बस वाले निकलते हैं। बस में तो नहीं थे, जो दूसरे आदमी था ना वो बस खोल करके देखे थे। तो हो सकता है अगर कंडक्टर को मिला होगा तो वो दे देगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं देगा तो अगर कहेगा नहीं मिला है तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं करेंगे क्या दोस्तों। देखते कैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए गिरते वो। अगर कंडक्टर लिया होगा तो दे देगा और नहीं पैसा ना दोस्तों ना हमें नहीं लग रहा देगा, क्योंकि पैसा का लोभ बहुत बुरी चीज़ होती है। हाँ दीदी क्या बताए ऐसे ही बैठे, मेरा चप्पल भी टूट गया था तो दूसरा ना स्लीपर खरीदे, सैंडल टूट गया था ना तो ऐसे ही स्लीपर वाले के पास गए तो सिस्टर के पास 100 रुपया था ना उसमें से देख खरीदना। विवाह की पैसा भी नहीं था क्या बताए। दोस्तों मम्मी वीडियो कॉल की, मम्मी गुस्सा कर, और मम्मी भी दोस्तों दूसरा बैग में दी थी, निकाल के दी रहती ना तो इस पर्स में रख ले रहते थे। दो पर बड़ा पर्स कोई काम का नहीं हुआ, छोटा पर्स में पैसा रखे थे। अंधेरा हो गया था बस में, लग रहा था चेन खोले थे और रखने की जगह लग रहा है इसी पर रखा गया, नीचे गिर गया कि अब क्या हुआ, क्योंकि जहाँ दूसरे जगह गए ना सामान खरीदने के लिए वहाँ पर बैग देख रहे तो पर्स में हिले ही नहीं। हमें लग रहा पूरे पक्का गारंटी के साथ कि बैग पर्स उसी में गिर गया। हाँ। कंडक्टर को पैसा गए पर हम लोग निकाले भी नहीं थे, वहीं पर बस चला जब पैसा दिए थे तभी एक जगह वाउचर लेने के लिए रिचार्ज करवाने के लिए गए ना। पहले हम उसे पूछे कि रिचार्ज है तो वो बोला नहीं है, तो तभी भी पैसा निकालते अगर बोल देता हाँ है तो तभी पैसा निकालते तो पता चल जाता है कि नहीं। तो उसके बाद हम कुछ लिए भी नहीं, जहाँ पर चाउमीन खाए ना तो पैसा देख रहे तो एक पर्स में नहीं निकला, फिर दूसरे में देख रहे दूसरा में भी नहीं निकला, तो हम लोग एकदम से चौंक गए। फिर वहाँ से ना पैदल पैदल आए, उसके बाद बस स्टेशन में दोस्तों हम पैदल पैदल आए तो बस वाले बंद करके चला गया था। अगर होगा कंडक्टर, अगर ईमानदार होगा, अगर उनको मिला होगा तो दे देगा, नहीं मिला होगा तो बोलेगा नहीं मिला है तो हम सब क्या कर सकते हैं। ये बस दोस्तों 8 बजे यहाँ से जाएगी, अभी तो 7:25 हो रहे हैं, देखते हैं कब आते हैं। दे देगा तो यहाँ पर प्रसाद उत्साह चढ़ा के जाएंगे, और नहीं तो पैसा रहवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरह जाएंगे देखेंगे, बोलेंगे कि घर उधर जाकर पैसा दे देंगे, वो बस वाले उधर ही जाते हैं हमारे घर पे ही। तो दोस्तों अभी तो देख सकते कैसे बैठे हैं बस स्टेशन, एक भी रुपया नहीं है दोस्तों, तो क्या करें यहीं पर बैठे हैं, देखते हैं कब आएगा। और इतना लाइफ में हमें भी लग रहा पहले दो पर्स में नहीं रहता तो नहीं रहता फ्रेंड्स, क्या बताएं। अगर घर उर पे रहता ना, अगर गुम भी हो जाता अपना घर है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन बाहर में आकर अगर पैसा अगर भुला जाए ना तो बहुत दिक्कत होती है, नहीं कुछ खरीद सकते नहीं कुछ भी, जाने के लिए भी दोस्तों हम लोग के पास पैसा नहीं है, इतनी मजबूर हो गए बताओ अब क्या होता है। तो बस यही बात है दोस्तों, अभी तो बहुत इतनी मुसीबत में फंसे हैं, देखते कैसे क्या होता है, वो आपको दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।